अमरोहा रामडोल शोभा यात्रा को लेकर कमेटी के सदस्यों ने 13 अगस्त को निकलने वाली रामडोल शोभा यात्रा के संबंध में धार्मिक रामडोल कमेटी के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्य महारथ निकालने की अनुमति मांगी है। जानकारी के मुताबिक अमरोहा शहर में अगस्त में प्रत्येक वर्ष पारंपरिक रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा मोहल्ला कोट स्थित रियासत वाला मंदिर से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मोहल्ला लकड़ा स्थित पनवाड़ी तक समाप्त होती है। लेकिन इस वर्ष COVID-19 के चलते शासन व प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले सभी धार्मिक कार्य स्थगित कर दिए हैं। शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए धार्मिक कमेटी अमरोहा के सदस्यों ने रीति रिवाजों के अनुसार केवल मुख्य महारथ निकालने की अनुमति जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा से मांगी है। ज्ञापन देने में मौजूद रहे कपिल शर्मा, मनोज अग्रवाल, पीयूष शर्मा। आज डीएम साहब के पास आज श्री धार्मिक रामडोल कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से मिला और उसमें उन्होंने 13 अगस्त को निकलने वाली शोभा यात्रा रामडोल के बारे में विचार विमर्श किया। इसमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो शासन से बात करके आगे की गाइडलाइन बताएंगे। आपके पास आए थे आज हम लोग रामडोल कमेटी की तरफ से जिलाधिकारी महोदय से रामडोल शोभा यात्रा जो कि 113 वर्ष से निकलती आ रही है उसे निकलवाने के चक्कर में हम डीएम साहब से मिले थे। हम सब लोगों ने डीएम साहब से निवेदन कराया कि जो मुख्य रथ है उस रथ पे लड्डू गोपाल जी का डोला निकालने की परमिशन वो हमें दे दें। तो डीएम साहब ने हमें बताया कि वो शासन में बात करके हमें अवगत कराएंगे कि क्या गाइडलाइन शासन देता है, उसी हिसाब से वो निकलने की अनुमति मिलेगी।